बीते कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश का एक शहर बहुत चर्चा में है, नाम है गोंडा। पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह की वजह से गोंडा चर्चा में था, और अब कुछ महीने से एटीएस ने गोंडा शहर को चर्चा में ला दिया है। एटीएस ने इसलिए ला दिया है क्योंकि एटीएस लगातार गोंडा से आईएसआई एजेंट और अलकायदा से जुड़े तमाम रेडिकलाइज संदिग्धों को गिरफ्तार कर रही है। हाल ही में आईएसआई ने गोंडा से चौथे आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। ये आईएसआई एजेंट उसी रईस का साथी बताया जा रहा है जो गोंडा के तरफगंज का रहने वाला है, और इसी गोंडा के तरफगंज का रहने वाला ये चौथा शख्स भी है। इस चौथे शख्स का नाम है मुकीम सिद्दीकी उर्फ अरशद। इससे पहले यूपी एटीएस ने रईस को गिरफ्तार किया। रईस से पूछताछ के बाद उसके साथी अरमान अली और मोहम्मद सलमान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। रईस से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये कुछ काम करने के लिए मुंबई गया था। वहां पर इसकी मुलाकात अरमान से होती है, अरमान के जरिए वो सलमान से मिलता है, और ये दोनों ही लोग मिलकर रईस से आईएसआई के लिए कुछ काम करने के लिए कहते हैं, जिसके एवज में पैसा भी इसके खाते में डाला जाता है। शुरुआती जांच में कहा गया कि करीब 15,000 रुपए एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए आईएसआई के हैंडलर की तरफ से दिया गया। रईस, अरमान और सलमान इन तीनों ने मिलकर जासूसी के तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम फोटोग्राफ, खास करके आर्मी इंस्टॉलेशंस यानी कि जो सैन्य जो प्रतिष्ठान है, खास करके झांसी और बबीना झांसी से सटा हुआ, झांसी मुख्यालय से महज 12 से 13 किलोमीटर दूर ये आर्मी का बड़ा बेस है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस का बड़ा बेस है। बबीना की तमाम फोटोग्राफ्स, वहाँ के मूवमेंट के बारे में, तमाम जो वहाँ पे एम्युनिशंस मूवमेंट हो रहे थे उनकी वीडियोस बना करके इन लड़कों ने आईएसआई के अपने हैंडलर को दी, जिसके एवज में इनको पैसा मिला। इन तीनों से ही पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने एक चौथे शख्स को गिरफ्तार किया, मुकीम सिद्दीकी उर्फ अरशद। मुकीम सिद्दीकी भी रईस के ही पड़ोस के या कहा जाए उसी मोहल्ले का रहने वाला है। इसका घर महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर होगा। दोनों ही तरफगंज के रहने वाले हैं। जो पकड़ा गया चौथा शख्स मुकीम सिद्दीकी है, ये पुणे में काम करता है, पुणे में वहाँ पे चूड़ी बेचने का काम करता है। इसके परिवार वालों का कहना है कि उनका बेटे के बारे में तो उनको पता ही नहीं। ये अलग बात है कि रईस उससे बचपन की दोस्ती थी। गोंडा से एक और संदिग्ध को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, और वो आईएसआईएस का एक आजाए लोन वुल्फ तैयार हो रहा था, और इस लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहे इस शख्स ने, पेशे से तो ड्राइवर था लेकिन ये जर्मनी की तरह, जर्मनी में 2016 में एक घटना हुई, ट्रक से लोगों को कुचल दिया, ठीक उसी तर्ज पर यह भी एक किसी बड़े मेले में, किसी बड़े आयोजन में ट्रक से लोगों को कुचलने की फिराक में था। यह शख्स भी गोंडा का ही रहने वाला था, और इसके बारे में जो जानकारी जुटाई गई, इसको भी जो कहा जाए कि यूपी एटीएस ने रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की गई तो पता चला ये लंबे समय से रेडिकलाइज्ड हो गया था। इसने कहा जाए कि आईएसआईएस की कसम ले ली थी, शपथ ले ली थी, और इससे जो पूछताछ की गई तो तमाम अन्य जानकारियां भी सामने आई हैं। आईएसआई के इस एजेंट का नाम सद्दाम शेख निकला, लेकिन जब पूछताछ की गई तो असल में ये कन्वर्टेड मुस्लिम था, इसका असली नाम रंजीत सिंह था, और जो मुंबई में जाने के बाद जिसने अपना धर्म बदल लिया था, और इसने गोंडा लौटने के बाद एक मुस्लिम लड़की से शादी भी की, उसके दो बच्चे भी हुए, लेकिन ये बेंगलुरु में एक कंपनी में ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा था। लंबे समय से सेल्फ रेडिकलाइज होने के बाद लोन वुल्फ की तैयारी कर रहा था। तो ये आईएसआई का एजेंट जो अपने आप को कहा जाए कि सेल्फ रेडिकलाइज होकर के लोन वुल्फ की तैयारी का, अटैक की तैयारी कर रहा था, यह भी गोंडा के ही रहने वाला था। यही वजह थी कि अब यूपी एटीएस की निगाहें गोंडा पर टिक गई हैं कि कहीं आईएसआई या दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने गोंडा, जो अयोध्या से सटा हुआ महज 40 से 45 किलोमीटर दूर का शहर है, जिला है, वहाँ के ही लड़कों को टारगेट करने का कोई नया मॉड्यूल तैयार करने का प्लान तो नहीं बनाया है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में जो जानकारी मिलकर के आई है, जो आईएसआई एजेंट पकड़े गए, अरमान, रईस, इन सभी लोगों से गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ की गई, ये सभी लड़के काम काज करने के लिए मुंबई गए थे, और मुंबई से ही ये आईएसआई के संपर्क में आए।
लेकिन यूपी एटीएस की टीमें अभी लगातार इन पर जांच कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। जानकारी मिली है कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। यूपी तक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।